एक बार एक रात को एक हार्डवेयर शॉप में एक सांप घुस जाता है। जब सांप दुकान के अंदर में जाता है, इधर उधर भटकता है, तो अचानक से जमीन पे एक आरी पड़ी हुई थी जिसे लकड़ी काटते हैं, और सांप का पूंछ उस आरी को टकराता है। और जैसे ही वो आरी को टकराता है तो सांप को लगता है कि ये तो मुझे मारने के लिए कोई है, और वो गुस्से में एकदम से क्या करता है, उस आरी को जाके काटता है। और जब वो आरी को काटता है तो उसका मुंह क्या हो जाता है, कट जाता है। और जैसे ही वो कटता है तो वो और गुस्से में आता है, और उसको लगता है कि ये तो सच में उसका दुश्मन है। और वो क्या करता है, सांप जब मारता है तो क्या करता है, गोल कर लेता है। और वो क्या करता है, उस आरी को अपना दुश्मन समझकर अपने आप को उसमें लपेट लेता है और जम के दबाता है, और क्या होता है, खुद ही मर जाता है। इसलिए जब जब जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें हम सही हैं, हम उसको उल्टा जवाब दे सकते हैं, हमारे बोलने से वो चुप हो सकता है या हो सकती है, तो भी हमें क्या करना है, प्रतिक्रिया नहीं देना है, अननेसेसरी झगड़े में नहीं जाना है, अननेसेसरी लोगों को प्रूव करने नहीं जाना कि मैं सही हूँ। सही समय पे परमेश्वर हर एक चीज जो अंधकार में है उसको ज्योति में लाएगा। बस परमेश्वर के हाथ में वो व्यक्ति को दो, उस परिस्थिति को दो, और आगे बढ़ते जाओ। वरना वही हाल होगा जैसा सांप का हुआ। आप अपने आप से, अपने हाथों से, आपके जीवन के ऊपर के अभिषेक को, आपके जीवन के ऊपर के बुलाहट को, आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर के आशीषों को आप खुद ही खत्म कर दोगे।